हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बनाएंगे आलू और छोले की टिक्की। बहुत ही टेस्टी ये बनती है और बनाने में तो ये बहुत ही आसान है, तो आप इसे ज़रूर से बना के ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फिर फटाफट से बनाते हैं। तो सबसे पहले एक मिक्सी का जार लिया है। यहाँ पे मैंने दो सूखी लाल मिर्च, एक चम्मच सौंफ, एक चम्मच जीरा, एक चम्मच साबुत धनिया को भून लिया है हल्का सा तवे पे, और ये मैंने इसको दरदरा सा पीस लिया है। तो इस मसाले को भी साइड में रखते हैं। और एक कप से मैंने यहाँ पे उबला हुआ चना लिया है, सफ़ेद वाला छोला, और इसको मैंने एकदम बहुत ज़्यादा नहीं उबाला है, हल्का उबाला है। अब यहाँ पे एक मिक्सी का जार ले लिया, इसमें इसको डाल के हल्का दरदरा सा इसको हमने पीस लेना है, पानी नहीं डालेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने अच्छे से इसको पीस दिया है, हल्का ये दरदरा सा है। अब इसको एक बर्तन में निकाल लिया है, और यहाँ पर मैंने हल्दी और नमक इसमें डाल दिया है, और एक मीडियम साइज़ का प्याज बिल्कुल बारीक कट करके डाल दिया है, दो हरी मिर्च यहाँ पर डाल दी है, और साथ ही मैं इसमें तीन आलू डाल रही हूँ, छोटे साइज इसके आलू हैं। तो आप चाहे तो थोड़ा सा और आलू इसमें डाल सकते हैं, लेकिन इतना डालने से भी ये काफ़ी टेस्टी बनता है। तो ये मैंने डाल दिया। अब साथ ही यहाँ पे हरा धनिया खूब सारा डाल देंगे, बारीक कटा हुआ, और ये मैंने आधा चम्मच इसमें गरम मसाला डाला है, और जो हमने मसाला बना के रखा हुआ है ये डाल देना है बस, इसमें और कुछ भी नहीं डालना है। और अब इसको बढ़िया से हाथ से हमने मिक्स कर लेना है, अच्छे से सारी चीज़ों को मिला लेंगे, एक डो जैसा हमने इसका बना लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है, और अब इसका थोड़ा सा हम स्टैंड ले लेंगे और इसकी टिक्की बना के तैयार करेंगे। तो अगर ये थोड़ा सा अगर गीला लगता है ना, तो इसमें आप थोड़ा सा बेसन या फिर मैदा मिला सकते हैं, अगर लगे तो। वैसे लगेगा नहीं, ज़रूरत नहीं पड़ती है, एकदम आराम से ये बन जाता है। तो इस तरीके से मैंने ये बना लिया है, और ऐसे ही हम सारी टिक्कियाँ अपनी बना के तैयार कर लेंगे। तो लीजिए यहाँ पे ये सारा बन गया है। अब यहाँ मैंने ले लिया है दो चम्मच से कॉर्नफ्लोर ले लिया है। अब इसमें थोड़ा सा काली मिर्च डाल देती हूँ, ज़रा सा यहाँ पे चिली फ्लेक्स, और हल्का सा नमक इसमें डाल देंगे, और थोड़ा थोड़ा पानी इसमें डाल के इसका एक पतला सा घोल बना के हमने तैयार कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे मेरा घोल भी बनके तैयार हो गया है, और मैंने यहाँ पे थोड़ी सी ब्रेड क्रम्स ली है। अब एक पीस हमने इस तरीके से इसमें डिप करना है, और इसको ब्रेड क्रम्स में अच्छे से लपेट देना है। तो इसमें इस तरीके से हम बढ़िया से इसको लपेट देंगे। तो ये एक पीस तैयार हो गया है, और इसी तरीके से हम सारा बना के तैयार करेंगे। तो अब यहाँ पे मैंने तेल चढ़ा दिया है गैस पे, और तेल को अच्छे से गरम कर लेंगे, और जितने पीस एक बार में आराम से आ जाए इसमें लगा देंगे, और इसको एक बार थोड़ी देर, मतलब एक दो मिनट के लिए तेज आँच पे ही इसको हम तलेंगे, उसके बाद पलट देंगे, उसके बाद फिर इसको दूसरी तरफ से भी तेज आँच पे ही पका लेंगे, और उसके बाद जब ये हल्का सा पक जाएगा ना, तो इसको मीडियम आँच पर फिर अच्छे से पकाएँगे। अगर इसको तुरंत ही हल्के गर्म तेल में अगर डाल देंगे तो ये फट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं, उलट पलट के मैंने बढ़िया से इसको पका लिया है। अब इसको हम निकाल लेंगे, और इसी तरीके से हम सारा नाश्ता अपना बना के तैयार करेंगे। तो बहुत ही आसान सी रेसिपी है, और ये ना बहुत टेस्टी बनती है, आप इसकी चाट भी बना के खा सकते हो। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा ये सारा बन के तैयार हो गया है, और बहुत टेस्टी बना है। तो आप इसको अपने मनपसंद चटनी या सॉस के साथ ऐसे ही सर्व कर सकते हैं, या फिर आप इसकी चाट बना सकते हैं। तो मैं इसको घर पे रखी हुई चीज़ों से ही इस तरीके से चाट बना के आज सर्व करने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ पे दो टिक्कियाँ इसमें डाल दी हैं तोड़ के, और थोड़ा सा यहाँ पे डाल देंगे दही। दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया है, और यहाँ पर मैंने डाल दी है हरी वाली चटनी, और यहाँ मैं डाल रही हूँ इसमें थोड़ा सा टोमेटो केचप। अगर आपके पास मीठी चटनी है तो आप वो डाल सकते हैं। ज़रा सा मैंने यहाँ भुना हुआ जीरा और धनिया पाउडर, थोड़ा सा काला नमक डाल दिया है, और ये थोड़ा सा यहाँ पे चाट मसाला डाल रही हूँ। थोड़ी सी नमकीन थी मेरे पास तो वो मैंने डाल दी है, प्याज डाल दिया बारीक कटा हुआ, और साथ ही डाल दी हरी मिर्च, और थोड़ा सा डाल देंगे ऊपर से हरा धनिया। और ये देखिए बढ़िया सी चाट बन के तैयार हो गई है, घर में रखी हुई चीज़ों से ही बढ़िया सी चाट बनी है, और ये बहुत टेस्टी बनी है, आप एक बार बना के ज़रूर देखिएगा।
तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और साथ के साथ रेसिपी को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।